हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर में कि हाउ टू फॉर्म अ केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? वैलेंसी। अब वैलेंसी क्या होता है? किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, वही उसकी वैलेंसी होती है। ध्यान रखना, हमेशा इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होते हैं या शेयर होते हैं, कभी भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन शेयर नहीं होते, क्योंकि अगर वो न्यूक्लियस के बाहर निकल जाएंगे तो आपका न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय हो जाएगा और एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा और वही बन जाएगा एटॉमिक बम। तो ऐसा केवल क्या होता है, केवल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। तो आपको सभी की वैलेंसी याद करनी पड़ेगी और वैलेंसी का टेबल आपकी बुक में दिया है, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। मैंने कहा राइट द फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम, इसका वैलेंसी होता है 1, क्लोराइड मतलब क्लोरीन, इसका वैलेंसी भी होता है 1। एक रूल है कि जो पॉजिटिव आयन है उसको लेफ्ट में लिखते हैं, नेगेटिव को राइट में, है ना। पॉजिटिव कौन फॉर्म करता है? जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो कैटायन फॉर्म करता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो एनायन फॉर्म करता है। अब 1 माने तो सिंपली कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा NaCl। मैंने कहा राइट द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम की वैलेंसी है 2, क्लोरीन की वैलेंसी है 1। ये क्रिस क्रॉस होता है, 2 यहाँ चला गया, 1 यहाँ चला गया, तो ये बन गया MgCl2। मैंने कहा राइट द फॉर्मूला ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम की वैलेंसी है 3, क्लोरीन की वैलेंसी है 1, 3 यहाँ चला गया, 1 यहाँ चला गया, ये बन गया एल्युमिनियम क्लोराइड। आपको वैलेंसी याद करनी पड़ेगी, वो आपका काम है। अब ये तो सिंपल हो गए, थोड़े टफ वाले देख लो, जहां पे पॉली एटॉमिक आयन आते हैं। पॉली एटॉमिक आयन वाले देखो, सिंपल एग्जांपल, मैंने कहा एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम की वैलेंसी है 3, सल्फेट आयन की वैलेंसी है SO4, वैलेंसी है 2, वैलेंसी नीचे रखते हैं, ठीक है। ये 3 यहां ट्रांसफर हो जाएगा, ये 2 यहां ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये हो गया Al2। अच्छा, अब ये पॉली एटॉमिक है तो इसके बाहर क्या लग जाएगा, ब्रैकेट SO4 होल 3, ये बन गया एल्युमिनियम सल्फेट। मैंने कहा कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम की वैलेंसी है 2, फॉस्फेट की वैलेंसी है 3, ये 2 यहां चला जाएगा, ये 3 यहां आ जाएगा, ये हो गया Ca3। अब यहां क्योंकि पॉलीएटॉमिक है, एक से ज्यादा आयन है, तो पहले लगाओगे ब्रैकेट PO4 होल 3। तो ओनली यू हैव टू मेमोराइज द वैलेंसी एंड द केमिकल नेम, तो आपको केमिकल फॉर्मूला बनाते आ जाएगा और ये पक्का आएगा, भले कुछ आए या ना आए, आए आए। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट टॉपिक वी विल मूव ऑन इज द मोल कंसेप्ट, या मोलर मास निकालना सीखेंगे, ठीक।